सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले एनएससी और बीएससी के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एनएससी क्या है और बीएससी क्या है। बेसिकली एनएससी और बीएससी ये दोनों भी एक्सचेंजेस है जहाँ पे स्टॉक जो है ट्रेड करते। तो सबसे पहले जो है बीएससी इस्टेब्लिश हुआ था, देन आफ्टर जो है एनएससी इस्टेब्लिश हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स ऐसे है जो एनएससी पे भी ट्रेड करते हैं और बीएससी पे भी ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग जब कोई भी ट्रेड लेते हैं या हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी स्टॉक लेते हैं तो उसमें हम लोग एनएससी का स्टॉक ले या बीएससी का स्टॉक ले। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस जो है ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम समझते हैं, इन्वेस्टमेंट पे भी बताऊंगा और ट्रेडिंग पे भी बताऊंगा। तो हम लोग कोई भी एक टाटा का शेयर ले लेते हैं जो बीएससी पे भी ट्रेड कर रहा है और एनएससी पे भी ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग पहले बीएससी का एग्जांपल लेते हैं। मान आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप लोगों ने बीएससी पे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक जो है इंट्राडे के लिए आप लोगों ने ले लिए। तो मानो उस स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपये है और अभी वो बढ़ के 120 रुपये हो गया है। तो आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस स्टॉक को सेल कर देते हो अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो आपने 100 में खरीदा था, अभी 120 हो गया, तो आपको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 20 रुपये आपका प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन बीएससी पे ऐसा नहीं होगा, बीएससी पे आपको 20 का 20 प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कम है। आप लोग जो है 120 पे अपना शेयर सेल कर दोगे तो आपका ऑर्डर जो है तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि आप लोग यहाँ पे शेयर सेल कर रहे हो तो सामने कोई खरीदने वाला भी चाहिए। बीएससी में लिक्विडिटी कम होने के कारण आप जैसे ही ऑर्डर लगाते हो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता, वो आपका प्राइस जब कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे कि 120 पे आपने ऑर्डर अपना जो है शेयर सेल किया है तो वो जब 119 हो जाएगा, 118, 115 या उससे भी कम हो जाएगा तब वो आपका एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि लिक्विडिटी कम है। आप सेल कर रहे हो लेकिन बाय करने वाला भी सामने होना चाहिए। लेकिन एनएससी में कैसा है, एनएससी में लिक्विडिटी जाता रहती है। जैसे कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा एनएससी में ट्रेडिंग के लिए, उसका 120 हो गया और 120 पे आप लोगों ने सेल कर दिया तो 119 या 120 पे ही तुरंत से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना आपको मिलेगा क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी जाता है। आप जैसे ही सेल करते हो बायर आपको तुरंत वहाँ पे मिल जाते हैं क्योंकि एनएससी ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिल जाती है। और इन्वेस्टमेंट में भी वैसा ही रहते हैं, जैसे कि आपने टाटा का शेयर कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए उठा लिया जो बीएससी पे ट्रेड करता हो तो वहाँ पे क्या होगा, आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करोगे और 2-3 साल बाद जब आप प्रॉफिट बुक करना चाहोगे, जैसे कि आपने अभी 100 में खरीदा और बाद में वो जो है 500 का हो जाएगा तो आप 500 पे जो है सेल करोगे तो तुरंत वो 500 पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि लिक्विडिटी कम रहती है। जैसे कि वो 490 या 480 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा या उससे प्राइस ज़्यादा होने जाने पर भी हो जाएगा। लेकिन एनएससी में कैसा है, एनएससी में आप लोगों ने अगर वही एनएससी पे ट्रेड करता हो, टाटा का शेयर उठा लिया 100 में और वो 2-3 साल बाद 500 का हो जाता है, आप जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो तुरंत जो है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको जो एग्जैक्ट प्रॉफिट मिलना चाहिए वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि बीएससी में लिक्विडिटी कम है और एनएससी में लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एनएससी में ही इन्वेस्टमेंट करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लोग अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो और मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो और मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंकट्री का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डीमैट अकाउंट के सारे लिंक्स एक ही क्लिक में आप लोगों को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।